हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। ये वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। बहुत सारे डाउट होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि किन सोर्सेज को फॉलो करना है, वीडियो से पढ़े या पीडीएफ से पढ़े, और डेली कवर करें, वीकली करें या मंथली करें, और या फिर हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, किन किन टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट कवर करूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई होप कि आपके सारे डाउट्स इसके बाद क्लियर हो जाएंगे। और स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग विद हर, वहां अपने डाउट्स भेज सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेरे सोर्सेज बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए थे। तो पहला जो वीडियो के लिए मैंने सोर्स फॉलो किया था वो था स्टडी IQ, और PDF के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड का सोर्स फॉलो किया था। तो एक PDF सोर्स जरूर रखना, और अफेयर्स क्लाउड उसके लिए बेस्ट है क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो रिलायबल भी है। ठीक है, तो PDF के लिए एक सोर्स रख सकते हो। वीडियो का सोर्स आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी वीडियो का सोर्स चूज करो तो वो ऐसा लेना कि जिसकी आप रिवीजन कर सको। मतलब ऐसा ना हो कि कोई टीचर डिटेल में तो पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, बट उसकी रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी आप सोर्स चूज मत करना। ठीक है, तो सोर्स का डाउट क्लियर हो गया। दूसरी चीज की नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो देखो, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, मतलब कुछ होते हैं ना कि टारगेट्स होते हैं कि 30-35 या 25-35 मार्क्स हमें लेके ही आने हैं करंट अफेयर्स में, और वही हमारा टारगेट है, तो आप अपने नोट्स बना लेना। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो कि जिसको सिर्फ ये है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, एवरेज नंबर भी आ जाए ना, 10-12 नंबर भी आ जाए तो भी बहुत है, और बाकी मार्क्स हम जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, रीजनिंग है या फिर इंग्लिश है, वहां से कवर अप कर लेंगे, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है खुद के। और मैं सेकेंड कैटेगरी में ही लाइक करती थी, और मेरे को ये चीज बहुत स्टार्टिंग में क्लियर हो गई थी कि मैं कितना भी पढ़ लूँ करंट अफेयर्स में मैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेके आ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड ही रखे थे। और यही सजेशन मेरा आपको है कि अपने सोर्स जो है वो लिमिटेड रखना। मतलब ये मत सोचो कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, मैं गाइडली से भी पढ़ लूँ, मैं ओलिव बोर्ड की बोल्ट भी पढ़ लूँ, मैं हिंदू के वो भी पढ़ लूँ, द हिंदू का रिव्यू भी पढ़ लूँ, फिर मैं PM की बजूक का भी पढ़ लूँ। इतने सब सोर्सेज आप नहीं पढ़ पाओगे, रिविजन तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और बिना रिविजन के मार्क्स आएंगे नहीं। ठीक है, तो लिमिटेड ही सोर्स रखना, 2 मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा सोर्स मत रखना करंट अफेयर्स के लिए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने पढ़ा कैसे था। तो देखो, स्टडी IQ के लिए मैंने वहां से मैंने डेली वीडियोस भी देखनी स्टार्ट की थी स्टडी IQ की, बट दिक्कत क्या थी कि कई बार वो वीडियोस ना रेगुलर अपलोड नहीं होती थी। तो मान लो अभी 4-5 दिन की अपलोड नहीं हुई है, आज के दिन वो एक साथ 4-5 दिन की अपलोड हो गई है वीडियोस, तो अब वो ना एक रूटीन नहीं बन पाता था वहां से। दूसरी चीज की जैसे ही कोई एग्जाम पास आने वाला होता था तो मैं वो डेली की वीडियोज नहीं कंटिन्यू कर पाती थी, तो वो वहां से मेरा एक रूटीन बना नहीं है अच्छे से। लेकिन वहां से मैंने बेस्ट 300 की वीडियोस देखी हैं हर मंथ की, और बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोस है वो मैंने वहां से देखी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टैटिक बैंकिंग की अगर बात करते हो तो अभी आपके पास टाइम है, तो स्टैटिक बैंकिंग अगर आपने परचेज किया हुआ है तो वो ले लेना। मैंने कुछ ऑफर आया था बीच में, 500 के अराउंड कुछ पड़ा था, तो तब मैंने वो परचेज किया था, और इंटरव्यू में मेरी बहुत हेल्प हुई थी उसके। मतलब जितना भी कंटेंट वहां पे था, बेसल नॉर्म्स से रिलेटेड जो था, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह, और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब वहां पे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको आपका टारगेट है कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है तो वो पढ़ लेना, बहुत अच्छा है वो स्टैटिक बैंकिंग का। ठीक है, तो पहला हो गया कि बेस्ट 300 मैंने वहां से देखी है, और उसके अलावा मैंने वहां से बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोस आती हैं, एक या दो पार्ट आते हैं हर मंथ के, वो मैंने वहां से देखे थे। और उसके बाद स्टडी IQ ये PDF का कैसे पढ़ी थी मैंने अफेयर्स क्लाउड से, वो बताती हूँ। तो देखो, मैंने ट्राई किया था कि मैं मंथली पढ़ लूँ, और एक दो मंथ की मैंने वो PDF निकलवाई भी थी, बट वो 300-350 के अराउंड पेजेस देख के मेरे को समझ में आ गया था ये बस का नहीं है, यहाँ से ये तो नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। फिर मैंने वीकली वहां से पढ़नी स्टार्ट करी, और वीकली में भी दो टाइप की PDF होती है, एक तो होती है कि कंटेंट वाली PDF, और एक होती है जो क्वेश्चन आंसर वाली PDF होती है। तो कंटेंट वाली भी मैंने पढ़ के देखी थी, पर दिक्कत क्या थी कंटेंट वाली में कि ये समझ नहीं आता था इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। मतलब जो कंटेंट है वो पढ़ लिया, वो समझ आ गया कि क्या लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन जब आएंगे ना तो मे बी मैं उतने अच्छे से उनका आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर वाली PDF पर शिफ्ट हुई, वो मेरे को बेटर लगी क्वेश्चन आंसर वाली जो PDF थी, और उसमें उनकी रिविजन करना भी थोड़ा ईजी था। दूसरी चीज, बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोस आती हैं हर मंथ, PDF आती हैं बैंकिंग अवेयरनेस वाली, अफेयर्स क्लाउड पे मिल जाएगी, हर मंथ की आती है, अराउंड 100 के अराउंड कुछ पेजेस होते हैं उनमें, और उन PDF में 100 पेजेस में से भी ना यू लगा लो कि 60 पेजेस जो होंगे अराउंड, उनमें तो होगा कंटेंट,
उसमें आरबीआई से रिलेटेड न्यूज होगी, उसमें बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी, एसबीआई वगैरह से रिलेटेड, उनमें जो भी अपॉइंटमेंट हुई है बैंकिंग सेक्टर में उनसे रिलेटेड न्यूज होंगी सारी। और लास्ट के जो 30 या 40 के पेजेस होंगे वो उसी कंटेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी थी कि हमें यह भी पता चल जाएगा कि जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, और दूसरी चीज की ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ रिवीजन होगी, जो कंटेंट पढ़ा था उसी की क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उनकी रिवीजन होगी। तो वो पीडीएफ जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको वो कैसी थी। पतली सी पीडीएफ थी, मैंने ये ऐसे ये निकलवा लिए थे, इसके चार वाली में निकलवाई थी मैंने, और यही रीजन था कि थोड़ी पतली लगेगी तो एक इल्यूजन हो जाता है माइंड में कि ये तो पतली सी है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैंकिंग वाली थी, अक्टूबर मंथ की है ये। इसके अलावा एक बेस्ट 100 वाली मैंने करी थी, ठीक है। तो पहले स्टडी आई, क्योंकि जो 300 वाली बेस्ट 300 की वीडियोस हैं वो भी मैंने देखी हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस वहां से देखी हैं, वो जल्दी हो जाती थी। फिर पीडीएफ के लिए पहले मैं पढ़ती थी वीकली पीडीएफ क्वेश्चन आंसर वाली, फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस वाली पीडीएफ जो भी मैंने आपको दिखाई है, और वीकली की रिविजन के लिए बेस्ट 100 की भी एक पीडीएफ आती है, 50-60 पेजेस की होती है, वो रिविजन के लिए अच्छी है, वो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रिविजन के लिए मैंने वो पढ़ी थी, पहले ये वीकली वाले कवर कर लेती थी और फिर वो बेस्ट 100 वाली पढ़ लेती थी। रिविजन करते टाइम एक तो ये जो बैंकिंग वाली पीडीएफ है इसकी मैंने रिविजन की है, इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा है, बेस्ट 100 वाली मैंने फिर से पढ़ी है 2-3 बार, और जो वीकली पीडीएफ होती है ना उनमें आता है एक बैंकिंग का सेक्टर इफेक्ट आता है, बैंकिंग का पोर्शन आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो मैंने 2-3 बार पढ़ा था, तो वहां से रिवीजन अच्छे से हो जाते थे, ठीक है। ये मेरे सोर्सेस थे सारे। और नोट्स की अगर बात करते हो कि नोट्स कैसे बनाए थे, तो देखो नोट्स मैंने एक स्मार्ट वे में बनाए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं बनाए थे, बट बैंकिंग एंड फाइनेंस के और स्टेट्स के ये दो मैंने नोट्स बनाए थे। अब वो बनाए कैसे थे वो बताती हूँ। तो देखो मान लो मैंने आज से करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट किए हैं, तो आज मैंने देखा बैंकिंग में एसबीआई की कोई न्यूज आई हुई है, तो मैंने पेज पे एसबीआई लिखा और एसबीआई से फिर अगले 2-3 पेज खाली छोड़ दिए, ठीक है। एसबीआई लिखा, एसबीआई की वो न्यूज नोट करी, 2-3 पेज खाली छोड़ दिए, फिर मैंने देखा नेक्स्ट न्यूज आई हुई है एचडीएफसी की, तो फिर मैंने एचडीएफसी लिखा, फिर अगले 2-3 पेज ब्लैंक छोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके जिस बैंक की न्यूज आती गई मैं उनका नाम लिखती गई और उनसे रिलेटेड वो न्यूज नोट करती गई। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ तो कहीं पे अगर मुझे एसबीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज दिख रही है तो मैं वो एसबीआई वाले पोर्शन में मैंने लिख दी थी। इसका फायदा क्या हुआ कि मुझे मेरे पास ना एक बैंक से रिलेटेड न्यूज सारी एक जगह पे हो गई थी, जैसे एसबीआई की होगी, एचडीएफसी की होगी, और इसी में ही मैंने एलआईसी और सेबी और सिडबी और नाबार्ड और आरबीआई ये सारे भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। तो वो बैंकिंग वाली न्यूज एक जगह होगी थी। ऐसे ही मैंने स्टेट का किया था कि जैसे ओडिशा लिख दिया, ओडिशा की पहली न्यूज मैं पढ़ रही हूँ वो आई है, तो ओडिशा की न्यूज मैंने लिख दी। अब ओडिशा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज मैं आगे पढ़ूंगी वो सारी एक जगह पे होगी। फिर यूपी लिख दिया, कर्नाटक लिख दिया, महाराष्ट्र लिख दिया, और मेघालय वगैरह जितने भी थे, मतलब जहां पे जो जो स्टेट आते थे न्यूज के टाइम पे वो मैं लिखती थी, उनके नीचे उनकी न्यूज लिख लेती थी। और सिर्फ मैंने इन दोनों का ही बनाया था, एक फाइनेंस वाला, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, एक स्टेट वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इनसे ज्यादा न्यूज होती है जो कि मिक्स भी हो जाती है कि अब इस स्टेट में ये कुछ नया लॉन्च हो गया या इस बैंक ने यहाँ पे कोलैब कर लिया या यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट हुई है बैंक में, तो वो न्यूज याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मिक्सअप हो जाता है लास्ट में। तो रिविजन के टाइम पे इन नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं दिखा देती हूँ, जैसे मैंने नोट्स बनाए थे आपको, ये रजिस्टर मैंने लिया था और इसमें ही मैंने नोट किए थे सारे। तो देखो पहला ये कर्नाटक बैंक का मैंने लिखा था, कर्नाटक बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज आई थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली थी। उसके बाद एक ही पेज छोड़ा था मैंने कर्नाटक का, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि इस बैंक से रिलेटेड अप्रॉक्स कितनी न्यूज आ सकती है, तो मेरे को ये था कि कर्नाटक बैंक से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आती है, इसलिए मैंने कम स्पेस छोड़ा था। फिर एसबीआई का था और ये एसबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज थी यहाँ पे वो मैंने लिख दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद और जो भी बैंक आते गए वो मैं उनके नोट करती थी। ऐसे ही मैंने स्टेट का भी किया था, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। स्टेट का ये मैंने इंडेक्स बना लिया था ऐसे, ठीक है। ये स्टेट का नाम है और इसमें ये पेज नंबर लिख दिया आगे, 1-4 ओडिशा की न्यूज है, फिर आगे ये यूपी की न्यूज है, ये ऐसे करके इतने स्टेट तक मैंने पढ़ा था ये, ठीक है। और न्यूज थी जैसे ये ओडिशा लिखा हुआ है तो ये ओडिशा से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो यहाँ पे लिख ली। ऐसे ही फिर आगे जो है यूपी से रिलेटेड एक दो पेज छोड़ के यूपी से रिलेटेड जो न्यूज थी वो सारी लिख ली थी। तो नोट्स सिर्फ इसी के बनाए थे और ये हेल्पफुल भी रहे थे। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, वो भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और इसके अलावा वीडियो से पढ़ने, अब हाँ कि कौन से मंथ से हमें करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देने चाहिए, तो देखो 6 मंथ तक के आपके करंट अफेयर्स करने हैं,
उसमें से भी जो लास्ट के 3 महीने हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। मान लो जुलाई में एग्जाम है तो जैन से लेके जून तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, लास्ट के जो 3 महीने हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। और देखो आरआरबी के एग्जाम में फिर भी वो 6-7 महीने का पूछ लेते हैं, लेकिन आईबीपीएस का 2-3 साल से यही पैटर्न चल रहा है कि वो लास्ट के 3 या 4 महीने पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अपने 3 या 4 महीने पे आप ज्यादा फोकस करना, उनकी मल्टीपल रिविजन करना, और वो हेल्पफुल होगा। 12-13-15 नंबर तो आराम से आ जाएंगे यहाँ से इतना करने पे। ठीक है, बस रिवीजन जरूरी है, ये नहीं है कि सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिया, रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, वहां जाके सब मिक्स हो जाएगा। तो एक डाउट और कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर हम किन किन टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं। तो देखो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कुछ, बट मैंने जो टॉपिक्स छोड़े थे वो मैं बता देती हूँ। मैंने इम्पोर्टेंट डेज का टॉपिक छोड़ा था क्योंकि डेज वगैरह मेरे को याद नहीं होते थे, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डे होता ही है हर रोज, तो वो सब नहीं होता था। बट हाँ, मैंने ये ट्राई किया था कि मैं उनकी इम्पोर्टेंट थीम याद कर लूँ। जैसे मान लो कोई भी डे आया है और उसकी थीम मैं देख लेती थी एक बार, तो और ट्राई करती थी कि वो थीम मुझे याद रहे। ऐसे ही कोई भी, जैसे मैंने डिफेंस का छोड़ा था, मान लो ये कहाँ पे किन की मीटिंग्स हो रही है या फिर कौन सी आज ये नेवल एक्सरसाइज वगैरह हो रही है या फिर कौन से मिसाइल लॉन्च हुई है, तो वो सब मेरे को डाटा याद नहीं रहता था, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और ओबिचरीज भी मैंने छोड़ी थी। ठीक है, बस ये था कि मैं इनको एक बार पढ़ने के बाद ही छोड़ती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको एक बार रीडिंग भी नहीं दी है। कई बार ऐसे होता है कि हम याद नहीं रखते हैं, बस एक बार वो देखी हुई चीज कई बार ऑप्शन देख के याद आ जाती है। ठीक है, तो एक बार पढ़ने के बाद ही छोड़ना कोई भी टॉपिक अगर छोड़ते हो तो। और नेशनल और इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना है, इनकी रिविजन कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपनी डाउट्स भेज देना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।